नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रशिक्षण देकर उद्योग परक बनाना इस्तकार अहमद। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के विकास एवं उसमें बढ़ती रोजगार की समस्याओं के साथ यह नितांत आवश्यक हो गया है कि बेरोजगार युवाओं एवं भावी उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित कर उनको रोजगार से जोड़ा जाए। ऐसे ही योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्ट लिमिटेड यानी यूपी कान की तरफ से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर नगर के सुशक्ति लॉन में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, उद्यमों में प्राथमिक स्तर से कार्यरत कर्मियों, उद्यमियों एवं भावी उद्यमियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं कार्यक्रम के निर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उक्त उद्गार कार्यक्रम समन्वयक इस्तकार अहमद ने एक वार्ताक्रम में अवगत कराया। श्री अहमद ने कहा कि यह कार्यक्रम 2 जून से 7 जून 2022 तक चलेगा, जिसमें कारपेट सिलाई नाई से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त लोग अपने उद्योगों को बढ़ावा दे सके और स्वरोजगार प्राप्त कर सके। गौरतलब हो कि प्रशिक्षण के दौरान दूर दराज से महिला एवं पुरुष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के 2 चरण बनाए गए हैं। प्रथम चरण में लिटरेचर, दूसरे चरण में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आए हुए प्रशिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त कराना है, जिससे वह स्वरोजगार परक बन सके। प्रशिक्षण के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन सहित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का विशेष ध्यान रखा गया है। एक प्रश्न के दौरान समन्वयक श्री अहमद ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा SMEI विकास योजना के अंतर्गत उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा चलाया जा रहा है। इसका योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्ट लिमिटेड यानी यूपी कान कानपुर को प्रदान किया जा रहा है। अब तक जनपद मिर्जापुर से चल रहे प्रशिक्षण के दौरान कारपेट सिलाई नाई प्रशिक्षण में काफ़ी लोगों को कुशल ट्रेनर द्वारा प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। द्वितीय चरण की तैयारियाँ हो रही हैं, जो 7 जून 2022 तक पूरी हो जाएंगी। सत्यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट, धन्यवाद। यहाँ पर शिव शक्ति लान में दिनांक 31/5/2022 से ODOP के तहत 100 कारीगरों की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कारपेट में, कालीन से संबंधित। और कौन कौन से? और दूसरी योजना है VSSY विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसमें 3 ट्रेड हमारे यहाँ चल रहे हैं। 100 महिलाओं का चल रहा है सिलाई का, और 25 चल रहा है हमारा नाई का, 25 चल रहा है बढ़ई का, 150 विश्वकर्मा का, ये ट्रेनिंग चल रही है दिनांक 2 तारीख से। ये प्रशिक्षण कार्य कई तारीख से चल रहा है, कितने तारीख से? हमारा ODOP 31/5 से चल रहा है, ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है। और विश्वकर्मा हमारा 2 तारीख से चल रहा है, ये 6 दिन का प्रोग्राम होता है। ये योजना कहाँ संचालित है जो आप प्रशिक्षण? इस समय मिर्जापुर के शिव शक्ति लॉन्च शुक्लाहा पर स्थित है, यहाँ पर संचालित है। समाज कल्याण से है ये योजना? नहीं, ये योजना उद्योग विभाग जिला उद्योग केंद्र से है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रशिक्षण से लोगों को लाभ मिलेगा? जी हाँ, बहुत लाभ मिलेगा। जो महिलाएं हमारी थोड़ा बहुत काम करना जानती थी, 6 दिन के प्रशिक्षण में उनको सिलाई का पूरा कपड़ा सिलना और कढ़ाई करना ऐसे बता दिया जाता है। और अच्छे ट्रेनर रखे हुए हमने, उसके वो ट्रेनर जो पूछते हैं वो ट्रेनर पूरी बात बताते हैं, उनको सिखाते हैं। ये संभावना है कि 6 दिन में वो 50% या 75% काम जान जाते हैं, वहाँ जितने भी यहाँ सीखने के लोग आते हैं। इसमें पूरे प्रोग्राम के आप कुशल समन्वयक हैं जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। इस समन्वय के दौरान में आपने जो भी अभी तक अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार किया जी, यह आप जनपद मिर्जापुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनपद मिर्जापुर की जनता को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस योजना का लाभ उठाएं और यहाँ पर आएं, अपने फॉर्म भरें, यहाँ पर प्रशिक्षण लें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। फार्म का कोई शुल्क भी लिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई फार्म नहीं। हमको विभाग द्वारा एक लेटर दे दिया जाता है, एक सूची दे दी जाती है जिसमें सब कैंडिडेट का नाम होता है। बस मैं उनको फ़ोन करके बुलाता हूँ कि भैया आपकी इसमें सिलेक्शन होगी, आप 6 दिन की ट्रेनिंग में आपको आना है। टाइम 11 बजे से 4 बजे तक आपको आना है।